यूं तो बारिश का मालवा में बैसरवी का इंतजार था। कल हुई बारिश के बाद क्षेत्र में किसानों के चेहरे खिल गए, किंतु आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनका बारिश के बाद आसपास के क्षेत्र से संबंध टूट जाता है। इसी तरह का एक नजारा आज भी भोरासा के समीप गांव मिर्जापुर में देखने को मिला, जहां रात से हुई बारिश के बाद सुबह खाल रूपी नाला बहुत तेजी से बहने लगा, जिसके बाद गाँव का आगमन बंद हो गया। नाले के दोनों छोर पर रस्सी बांध कर बच्चों को स्कूल के लिए रास्ता पार करवाया जाता है, जिससे एक बच्ची फिसल भी गई, लेकिन गनीमत यह रही कि बच्ची के हाथ से रस्सी नहीं टूटी, अन्यथा हादसा हो सकता था। सुबह एक ग्रामीण की बाइक भी पानी में चली गई, जिससे ग्रामीणों ने दूर जाकर पकड़ी। गांव में इस नाले पर पुलिया की सख्त आवश्यकता है। हाँ भाई साहब, आपके गांव में क्या समस्या है? नाले के लिए कोई रास्ता है, दूसरा एक नहीं है? एक ही मेन रास्ता है और पानी बहुत आता है इसमें, तो कल भी एक बच्ची भी जाती है, अगर उसको नहीं पकड़ते रस्सी से बांध के निकालना पड़ता है। कभी भी वो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, रस्सी के अलावा कोई सहारा नहीं, और ऐसे में कोई हादसा हो गया तो उसको जवाबदार कौन जी? इसके लिए कुछ विधायक मंत्री को किसी ने कुछ करा कि नहीं करा? विधायक साहब जो है, पूर्ण विधायक थे राजेंद्र सिंह वर्मा जी, बोला था जो कि हम बना देंगे जो कि पुल, तो आप तो कोई ठिकाना नहीं है, आज तक पुल नहीं बना है। तो आप किस शासन से क्या मांगे? शासन से अभी एक ही मांगे कि पुल बन जाए हमारा, बस बहुत दिक्कत है इसमें। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और काल तक हाल लाभ हो गया तो उसकी स्थिति कौन है? कोई कभी बच्चा मर गया, मिल गया, भीग गया, उसके कौन जवाबदार? कल क्या क्या घटना नहीं रही? कल क्या क्या घटना हुई थी इसके लिए? कल एक मोटरसाइकिल भी गई थी जी, और उसके बाद में बच्चे कम से कम 25-30 बच्ची जाती है स्कूल, एक मीटिंग भर के आई बच्चियों, और उनको निकाला हमने, गांव के इकट्ठे हो गए तो निकाला, एक दो आदमी की तो ताकत नहीं निकाल दे। उसके बाद में 6-7 स्कूल पढ़ते हैं बच्चे, 6-7 स्कूल में जाते हैं रोज, डेली कम से कम 50-60 बच्चे रोज जाते हैं, बहुत आफत है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।